सबसे पहले तो मैं हमारी महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को पूरे संसद की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान की महिलाओं की तरफ से, पूरे हमारे हिंदुस्तान की बच्चियों की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद और बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि आज हम जिस बिल पर डिस्कस करने वाले हैं, जिस बिल पर हम सब लोग चर्चा कर रहे हैं, वो है फैमिली कोर्ट बिल। फैमिली परिवार जो है सभापति महोदय, वो किसी भी समाज की सबसे छोटी इकाई है, और हमारी आदरणीय महामहिम जो है वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से एक साहसी प्रेयसी रही वो, और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी माँ, एक बहुत ही अच्छी पत्नी, और उसके बाद आप ये देखिए कि किस तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे ऐसे जो ट्रेजेडी को झेला है कि पहले एक पुत्र जो है वो धरती से गए, और उसके बाद दूसरे पुत्र, और उसके बाद भी एक ताकतवर जो है इंसान की तरह वो आगे बढ़ी। और जब उनकी बेटी ने ये कहा कि मैं आपके साथ रहूंगी और मैं विवाह नहीं करना चाहती, तो उन्होंने ये कहा कि विवाह बहुत जरूरी है, कल को अगर मुझे कहीं कुछ हो जाता है तो तुम किस तरह से अपनी जिंदगी को पास करोगी। तो एक परिवार का इतना सुंदर उदाहरण जो है हमारी महामहिम ने दिया, और उसके बाद उनकी पुत्री ने जो है वो विवाह किया। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि आज जो हम इस चर्चा कर रहे हैं, ये फैमिली कोर्ट बिल पर कर रहे हैं, कि जिसके अंदर 1984 में ये एक्ट आया कि जो भी परिवार से रिलेटेड और मैरिज से रिलेटेड जो मामले हैं उनको कंसिलेशन के थ्रू ही और सेटलमेंट के थ्रू उनको सॉल्व किया जाए, और उनको बहुत लंबा जो है वो ना खींचा जाए। इसी के तहत जो 1984 में ये बिल आया, जिसके अंदर ये था कि फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट टू प्रमोट कंसिलेशन एंड सिक्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स रिलेटिंग टू मैरिज एंड फैमिली अफेयर्स। और उसके बाद इसके अंदर क्या था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ जो हाई कोर्ट है वो स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट आपस में कंसल्टेशन के बाद जो है वो रिक्विजिशन अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजती हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन के थ्रू ये इजाजत देती है कि आप अपने स्टेट में फैमिली कोर्ट जो है वो खोल सकते हैं। आदरणीय सभापति महोदय, पिछले साल जो है हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा केस आया कि जिसके अंदर जब मेंटेनेंस वगैरह फाइनल, ओंकार शर्मा जी का वो केस है कि जब मेंटेनेंस वगैरह फाइनल केस हुआ, तो उन्होंने ये मामला डाला कि वो कोर्ट जो है वो एस्टेब्लिश ही नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई नोटिफिकेशन ही वहां पर नहीं आई। तो इस बात की जरूरत महसूस की गई कि ऐसी कितनी पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कोर्ट है कि जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन गया नहीं है, लेकिन कोर्ट वहां पर चल रही है। तो वहां पाया गया कि 3 कोर्ट जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रही थी, शिमला में, धर्मशाला में और मंडी में, और इसी तरह से नागालैंड के अंदर दीमापुर और कोहिमा, इन जगह पर बिना सेंटर गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन के कोर्ट चल रही थी। अब आप ये देखिए कि कोर्ट चल रही हैं, वहां पर जो है एम्प्लॉय भी हैं, केसेस चल रहे हैं खूब सारे, और ऐसे में अगर वो कोर्ट को ही नल एंड वाइड कर दिया जाए, तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी जो है इसके ऊपर, इससे बहुत से परिवार के ऊपर कितना इसका नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो इसीलिए इस बिल की, इस अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी, और इसके माध्यम से जो है सेक्शन के थ्रू इसमें ये अमेंडमेंट है कि इसके अंदर जो है द फैमिली कोर्ट अमेंडमेंट बिल 2022 सीक्स टू अमेंड द सेड एक्ट टू इंसर्ट अ प्रोविजन इन सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1 टू प्रोवाइड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फैमिली कोर्ट्स इन द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश विद इफेक्ट फ्रॉम द 15 फरवरी 2019। 15 फरवरी 2019 से वहां पर कोर्ट चल रही थी, तो उसको रेट्रोस्पेक्टिवली जो है नोटिफिकेशन के थ्रू जो है उसको जो है लागू किया जाए। और इसके साथ साथ नागालैंड में विद इफेक्ट फ्रॉम द 12 सितंबर 2008, और न्यू सबसेक्शन 3A टू रेट्रोस्पेक्टिवली वैलिडेट ऑल एक्शंस अंडर द सेड एक्ट टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड नागालैंड एंड द फैमिली कोर्ट्स ऑफ दी स्टेट्स प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ द फैमिली कोर्ट्स अमेंडमेंट एक्ट 2022।
तो मेरी ये गुजारिश है कि जैसे मैं एक देख रही थी इसमें लिस्ट कि अभी भी बहुत से स्टेट हमारे ऐसे हैं कि जहां पर आदरणीय मंत्री जी की नोटिफिकेशन जा चुकी है लेकिन वहां पर कोई कोर्ट अभी तक नहीं खुली है। इसमें हम देखें अगर अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दीव एंड दमन, दादरा एंड नगर हवेली, गोवा, मिजोरम, यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से नोटिफिकेशन हो चुकी है लेकिन एक भी कोर्ट यहां पर अभी तक खोला नहीं गया। इसके साथ साथ मैं गुजारिश कर रही थी कि कुछ स्टेट ऐसे हैं जैसे मध्य प्रदेश जो है उससे छत्तीसगढ़ बना तो मैक्सिमम कोर्ट जो है वो छत्तीसगढ़ की तरफ चली गई और मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो सिर्फ एक ही कोर्ट है। तो इसमें यह भी मैं कहना चाह रही हूं कि मध्य प्रदेश क्योंकि बहुत बड़ा राज्य है तो वहां पर भी अगर नोटिफिकेशन ऑलरेडी हो चुकी है तो आपके अगर माध्यम से वहां पर कोई अगर लेटर चला जाता है तो वहां पर और ज्यादा संख्या में जो है कोर्ट खुल सकती है। तो इसमें क्योंकि जैसा कि मंत्री जी ने कहा बहुत कुछ है नहीं ऐसा कि ये दो इसके अंदर जो है अमेंडमेंट कर रहे हैं ताकि इनको रेट्रोस्पेक्टिवली जो है विद इफेक्ट फ्रॉम जब से ये एस्टेब्लिश हुई है इनको लागू किया जा सके। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ सभापति महोदय बहुत ज्यादा ना कहते हुए कि परिवार जो है वो बहुत जरूरी है। हम तो ये चाहते हैं कि मिनिमम जो है इसके अंदर डिस्प्यूट जाए लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि केसेस बहुत सारे पेंडिंग हैं। तो ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा वहां पर जजेस वगैरह की नियुक्ति होकर ये केस ठीक हो लेकिन केसेस हो ही ना ऐसे। तो मैं अंत में ये कहना चाहूंगी कि कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो, रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उसे खूबसूरती से निभाना सीखो। बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय।